देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले रविवार को ही यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की कोरोना की वजह से जान चली गई, जबकि शाम होते होते यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसी दिन रविवार को कर्नाटक के सीएम और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इन तमाम कोरोना केसेस को कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन के मुहूर्त से जोड़कर बीजेपी पर तंज मारने की कोशिश की, लेकिन तंज मारने के चक्कर में दिग्विजय सिंह खुद ही ट्रोल हो गए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा, राम मंदिर के सभी पुजारी कोरोना पॉजिटिव, यूपी की मंत्री कमला रानी वरुण का कोरोना से स्वर्गवास, यूपी बीजेपी अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में, भारत के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में, कर्नाटक के बीजेपी के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में। दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट तो सही किया, लेकिन इससे पहले किए गए ट्वीट में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बता दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल होने पर माफी मांगनी पड़ गई। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, अमित शाह गृह मंत्री हैं ना कि प्रधानमंत्री, क्षमा करें। कुछ ऐसी ही गलती दिग्विजय सिंह ने उस वक्त भी की थी जब देश में राफेल आया था। बीजेपी पर निशाना साधने की हड़बड़ी में उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि कांग्रेस ने एक राफेल की कीमत 746 रुपए तय की थी। हालांकि बाद में गलती सुधारते हुए उन्होंने कहा था कि क्षमा करें, 746 करोड़ तय की थी, त्रुटि के लिए खेद है।